वेलकम बैक टू माई चैनल सुजास किचन। आज मैं आपके लिए एक मज़ेदार चिकन फ्राई की रेसिपी लेकर आई हूँ, तो देर ना करते हुए चलिए वीडियो देखते हैं। चिकन फ्राई बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी चिल्ली पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला और एक थोड़ा सा चिल्ली फ्लेक्स, नमक, 1 टेबलस्पून दही और 1 टेबलस्पून चावल का आटा और 2 टेबलस्पून कॉर्न स्टार्च और 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 अंडा और 1 नींबू। और मैंने यहाँ पर 1 किलो चिकन अच्छे से धो के रखा हुआ था, उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया। अब इसमें डालेंगे 1 नींबू का रस, 1 नींबू का रस अब मैं डालूँगी इसमें दही और नमक, मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला, काली मिर्च पाउडर, चावल का आटा, चिल्ली फ्लेक्स, सारा अच्छे से चिकन में मिला देंगे। अब इसमें कॉर्न स्टार्च और अंडा भी मिला देंगे। मसाला सब चिकन में अच्छे से कोट हो गया है। अब हम इस एक बोल में निकाल लेते हैं और इसको 2 घंटा फ्रिज में रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। दो घंटे के बाद चिकन फ्रिज में से निकाल दिया है। अब मैं फ्राई करने के लिए गैस पे कढ़ाई चढ़ा दिया था, कढ़ाई गर्म हो गया, इसमें रिफाइंड ऑयल डाल दिया, ऑयल भी हमारा अच्छे से गर्म हो गया। अब मैं चिकन का पीसेस इसमें डाल रही हूँ। गैस का फ्लेम मैंने लो टू मीडियम पे रखा हुआ है, तेज़ आंच पे नहीं चिकन फ्राई करना है। अब हमारा चिकन सब एक साइड से अच्छे से फ्राई हो गया है, अब इसको दूसरी तरफ से भी अच्छे से फ्राई कर देंगे। अब हमारा चिकन अच्छे से फ्राई हो गया है, इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। इसी तरह जो बाकी रखे हुए चिकन भी वो भी फ्राई कर देते हैं। हमारा चिकन सारा मैंने फ्राई करके ले लिया है, चिकन फ्राई रेडी है। आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।